दो चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम पे हम थे, दो चार कदम ये लेकिन सौ मीलों से क्या कम थे। और इस पे कदम कदम पे दिल का चांद रात मुबारक की जो हलचल किचन में हो रही है ये हो रही है चांद रात की। अस्सलाम वालेकुम, वीडियो का सेकंड डे है मेरे ख्याल से। और ड्रेस मेरा है सैमी बाय नबीला का, खुला कुर्ता है और खुली पैंट्स है, उसके साथ मैंने शलवारें और वो भी और बनवाई है, लेकिन ये अभी कॉर्ड सेट्स और बहुत अच्छे अच्छे कलर्स में, बहुत फ्रेश कलर्स में नबीला के पास आप F10 में जाके आउटलेट पे देख सकते हैं। अच्छा जी, मेरी बहन बहुत प्यारी जो आई है वो मेरे लिए डियर की स्किन लेकर आई है। अच्छा जी, बात ये कि एनिमल लवर तो मैं खुद बहुत बड़ी हूँ, मैं आपको कहती रहती हूँ कि जानवरों का ख्याल रखें, और जिनको आप वो कहते हैं ना आवारा, वो एक्चुअली आवारा जानवर नहीं होते, वो होमलेस होते हैं, दे नीड अ होम। सो आप लोग उनका ख्याल रखें जिस तरह, लेकिन लोगों की ये उठा दो ना, जैसे ज़िंदगी इंसानों ने भी, सबने इस दुनिया से चले जाना, वैसे एनिमल्स की भी एक ज़िंदगी होती है। बेशक उनको क्रुएलिटी से नहीं जाना चाहिए इस दुनिया से, ये उनका हक है, लेकिन जब वो चले जाएं तो ये जैसे स्किन या ये वो, ये सब लोगों के, इंसानों के काम आती है। तो मैं सर इसको यहाँ पे सेट कर रही हूँ, पंखा में चला दूँ क्योंकि अब हो गई है गर्मी। इसको इस तरह से अपने जो मेरा इसके आगे है विंडो के साथ जो टेबल है उस पर रखा है कंसोल पे, और अब मैं आप इनको एक्चुअली पता ही है कैसे रखना है क्योंकि सारी ज़िंदगी से यही चीज़ें हम रखते आ रहे हैं। मेरी का जो है वो बेकिंग का भी उसका ऑनलाइन बिजनेस है, और इधर नहीं ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन आप उसके पेज को लाइक कर सकते हैं बेक बाय फेरी। और उसकी एक एक जो कुकी है ना वो इस तरह से है कि एक आर्ट का नमूना है, वो एक आर्ट पीस है वो। तो मैं अभी आपको ना कुकीज भी दिखाती हूँ। कुकीज बाय अच्छा नहीं, मैं प्रॉपर आती है। अभी ये बड़ी बुरे हालों में, वैसे फिर मैं ये लगाती हूँ, फिर ये लगाती हूँ, फिर मैं ये करती हूँ कि एक ही कटर को दो दो दफ़ा डिफरेंट कलर्स में लगाती हूँ। अब वो वाले मैं आपको अपने पेज पे दिखाऊंगी, तो जैसा मस्जिद के गुंबद हैं वो मैं डिफरेंट कलर के कर दूंगी, फिर इस तरह से उसकी फर्दर डिटेल वो मैं ये करती हूँ। तो जैसा मैंने रेड से कटर वो किया हुआ है ना मस्जिद, ये सामान है जैसे दो दिन के लिए जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा सामान है। और इसमें हमारी पिक्चर को खींचेगा आजकल, ये क्या मेहंदी लग रही है? अच्छा मेहंदी लगा रही है। एटीएम वो सफ़र हो आई हूँ ईद की शॉपिंग, और मैंने दिखाऊँ क्या कुछ आया हुआ है अभी तक। तो हम लोग आए हैं इस वाली शॉप में कैम्ब्रिज, और अली अब्दुल्ला ले रहे हैं अपनी शलवार कमीज। इसमें क्या है अब्दुल्ला? आई है गलत, 7,605। ये इतनी प्राइसेस हैं अज़र, या कुछ ज़्यादा में कैसी लग रही हैं प्राइसेस कपड़ों के, महंगे के काम अभी जी? ज़्यादा महंगे के सस्ते हैं कपड़े, आप बताएं आपकी शॉप महंगी है कि सस्ती है? महंगी है, बहुत महंगी है, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है। बिस्कुट भी है इसमें, और ईद पे तो ज़्यादा ये पाकिस्तानी कपड़े हैं ये पहन। आप यहाँ के इनको भी मिस करोगे ओवर फ्रैंक। साइज ठीक है,
वॉश है ना दी, मैं उधर से तुम्हें ले लूँगी अब टेन से। मैंने इसका बाजू के अंदर गया, ये नहीं अच्छा, ये बेहतर है। कौन सा अच्छा है ना भी इतने आप बताएं। वो कलर जैसा है उसमें, लेकिन उसको शलवार सेपरेट मिलती है। डिस्कशन चल रही है कि कौन सा सूट है कैसे। नहीं मैं आबिद के लिए कुछ नहीं ले रही, क्योंकि इस इन्होंने मुझे नहीं लेके दिया, कोई गिल्टी भी नहीं फील किया। और मतलब कि एक सूट दे देते तो क्या हो, क्या हो जाता, क्या हो जाता, बस हो गया। ये दो मैंने ईद लेके दिया है, ईदी मतलब मैंने नहीं दी, मगर मैंने प्यार इसमें इन्वॉल्व है मेरा अपने भाई के लिए बहुत ढेरों ढेर। वो ये वाला भाई नहीं है, वो एक और है। ये कुर्ता बहुत प्यारा सा है, ये वाइट पैंट्स है, और ये लॉलीपॉप। मैं एज ऑलवेज अपने वाइट ही कपड़े पहनूंगी, कल भी सोचा तो ये है। तो आज जो 4:30 इस वक्त बज रहे हैं, 5:30 मेरे ख्याल से बज रहे हैं, रोज़ा खुलने वाला है, लेकिन सख्त सर में दर्द और तबीयत ख़राब हो रही है आज। तो बहुत प्यारा है इसका, ये जो लिया ना हम लोगों ने, एक ये लिया था एक्सेक्ट, इसका ना दुपट्टा है, देखिए कितनी इस पर डिटेल्स और वो दिखाई हुई है उन्होंने, इतनी सारी पट्टियाँ, ये देखिए पट्टियाँ, ये और ये चक्कर। इतने में आप टेलर से बनवाए ना तो उसकी सिलाई ही बहुत ज़्यादा होती है। और ये इस सूट की प्राइस है 30,000। फेरी इसके चांद रात मुबारक की जो हलचल किचन में हो रही है, ये हो रही है चांद रात की, ये रौनक के किचन में, ये अस्सलाम वालेकुम, ये जो रौनक के किचन में ये चांद रात है, चांद अभी अभी नज़र आया और शीर खोरमा बनने लगा है। नवीद और सादिया ईद मुबारक बोल दो सब। ईद मुबारक ज़्यादा से ज़्यादा, खुश खुश रहे, अच्छे अच्छी ईद मनाए, और अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को भी खुश रखें। आज मैंने, कल मैंने आप साथ ईद की शॉपिंग शेयर की थी, मेरी जो बहन आई हुई है वो मुझे बहुत, वो जेन्युइनली मुझे वाहिद वो थी जिससे मुझे बहुत ज़्यादा कहा कि ईद का जोड़ा ले लो। शबनमाजी मुझे दे चुकी हैं, कुछ और भी लोग जिन्हें देना था उन्होंने भी ईद के जोड़े वगैरह दिए हैं मुझे। बारी बारी इंशाल्लाह मैं पहनती रहूँगी आप लोगों के साथ, लेकिन मैंने सूट नहीं लिया क्योंकि मेरे पास एक दो पड़े हुए थे, अभी मैं फ़िलहाल वो यूज़ करूँगी। तो देखें ईद का डे 1 डे 2 डे 3 इंशाल्लाह 3 जोड़े होंगे। और बार अनाउंस ये करना था कि मैं लाहौर जा रही हूँ एक निकाह पर, तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले शीर खोरमा ड्रायर फ्रूट में ला के हमेशा भूनती हूँ क्योंकि उसका ताकि टेस्ट ठीक आए। वो भून मीन्स के अच्छा, ऑयल में नहीं भूनना, उस दिन मुझे किसी ने लिखा था ऑयल में वो नहीं भूनना, सिर्फ वैसे इसको रोस्ट कर। इसमें डलेगा कंडेंस मिल्क, इसको मैंने हल्का ज़रा ज़्यादा ब्राउन करना था, उसे बड़ा अच्छा सा ब्राउन सा कलर आता है लेकिन टाइम नहीं था। इवेपोरेटेड मिल्क, सेवियाँ, मक्खन, दूध और बस, और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। रीद इसको भी कर लो। तो शीर को अब फिर वही बात है कि मुझे नहीं पता, मैं पता क्या मेन्यू क्या है मेरा, मेरा मेन्यू को एक्सटेंसिव इसलिए नहीं क्योंकि मैंने लाहौर अगले दिन जाना है, तो मैं सिर्फ शीर खोरमा बना रही हूँ। वो क्या चिकन बोनलेस हांडी बनाई है नवीद ने, उबले हुए चावल, बैंगन भरे हुए जो बहुत अच्छे बनते हैं इसके हमेशा, वो बनाया है। और उसके अलावा मैं तहजीब का पिज़्ज़ा लेकर आऊँगी जैसे कोई मेहमान आने वाला हो, क्योंकि वो बहुत मज़े के हैं।
इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बना रही, मुझे लग रहा है बहुत है, बहुत है ना आप। तो अब हम बनाने लगे हैं शीरखुर्मा। उल्टी बात होगी, नीचे मक्खन और ऊपर सेवियाँ। वैसे शीरखुर्मे की रेसिपी है ये। इसको मैं सेवियों को हल्का सा बटर में फ्राई करूँगी। शीर खुरमे के लिए ना मैं सेवियों को उस तरह सा फ्राई करती हूँ। अब फ्राई करूँगी मक्खन में। अच्छा, और मैं ये करती हूँ, मुझे आपका नहीं पता, इसको ना थोड़ा सा सेवियों को तोड़ लेंगे, ज़रा मतलब लंबी रेशे ना रखें। बस इसका रीज़न है कि बस क्योंकि खाली है, बस रीज़न नहीं पता। इसको हल्का सा आपने फ्राई करना है, और ये याद रखें कि सेवियाँ बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं, तो फिर आपने जरा सा थोड़ा रखना। एक और जो मैंने बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात करनी थी ना, वो ये कि जो मुझसे ना सब लोग नबीला के ड्रेसेस की प्राइसेस पूछते हैं ना, आपको मैंने इंस्टाग्राम पेज नीचे दे दिया, आप आराम से तसल्ली से उससे, आपने फ़ोन नंबर लेना हो आप लें, एड्रेस लेना हो लें, प्राइस लेना है लें, वो उनका बिजनेस है, वो कर सकती हैं। मैं ना किसी को भी इस मामले में कोई भी रूडली रिप्लाई बिल्कुल नहीं करती। जिस किसी को ये लगा है, मुझे नहीं पता क्यों लगा है, क्योंकि मैं मतलब लोकेशन F10 है ही, कितना इतना सा तो F10 है, उसके अंदर उसकी शॉप है, और आपको वो अगर आपको एड्रेस अभी नहीं भी समझ आया तो आप आराम से उनसे फ़ोन करके ले लें। वैसे मैंने कार्ड और वो मैं दोबारा इस वीडियो के नीचे भी लगा दूँगी। तो evaporated milk, अभी मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी। मेरे जैसा शीर खुरमा कोई बना ही नहीं सकता। माशाल्लाह से चांद नज़र आ गया, और ईद मुबारक, चांद रात मुबारक। और हमारे घर के पास ही ना एक बहुत क्यूट सा छोटा सा अच्छा सा वो चांद रात वाला एक कार्निवल सा बच्चों ने किया हुआ ऑर्गेनाइज, वहाँ जाऊँगी, आपको साथ रखूँगी, देखते हैं वहाँ क्या बच्चे कह रहे हैं। और अमित, चांद रात मुबारक कह दूँ? आप सबको चांद रात मुबारक हो। तो अभी मैं बस वीडियो यहीं पर अपनी आज की ख़त्म करूँगी। शीर खुरमा आप लोगों के साथ शेयर किया है, और कल हम फिर कल ईद है, तो इंशाल्लाह ताला सुबह पहले तो मैं अपनी और आबिद की, हम लोग जब तैयार होंगे आपके साथ पिक्चर शेयर करूँगी, और फिर हम इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करेंगे इंशाल्लाह ताला। मौसम क्योंकि अच्छा हो गया, तो ओपन लॉन में ना सारा ओपन किया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे बहुत ही क्यूट सा सेटअप है बच्चों के लिए। क्या बोलते हैं, जंपिंग कासल्स नज़र आ रहे हैं, स्टॉल्स होंगे, बस हम भी अब कुछ खाए पिएंगे इधर से। भूख लगी हुई है मुझे बस, एक्चुअली होगा इधर ज़रूर इंशाल्लाह। कुछ चूड़ियाँ वूड़ियाँ लूँगी यहाँ से। अच्छा, आज ना मुझे एथनिक पे ब्लू सूट बहुत ही अच्छा लगा है, तो वो मैंने लिया नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम कभी लूँगी। मौसम बहुत अच्छा है और रौनक बहुत है माशाल्लाह। बर्गर्स हैं, बीफ एंड चिकन ग्रिल सैंडविचेस, और बीफ के पैटीज होममेड, एवरीथिंग नाइस। ये डाला इन्हें बताओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हम बीफ, यू वांट टू रिकॉर्ड दिस? ओके, we have 7 beef and chicken burgers and sandwiches and it's homemade, so you can order it. अच्छा, जो भी बच्चे हम लोगों के इर्द-गिर्द छोटे छोटे बिजनेसेस कर रहे हैं ना, काइंडली उनको इनकरेज करें, ज़रूर करें, और छोटे छोटे ऑर्डर्स उनको दें। इनका मैं पेज का लिंक भी आपके साथ शेयर करूँगी। और वैसे बाय प्रोफेशन बेटी जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन उसका पैशन है कुकिंग, सो शी इज़ डूइंग रियली नाइस, गुड जॉब। बर्गर, बीफ बर्गर।
क्या नाम है बेटे का? मीना। क्या नाम है बेटा? मीना। तो दूसरी तरह से भी हाथ दिखाओ, ऐसे भी, यूं भी करो। ओ गुड, ये तो बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। तो चांद रात मुबारक सबको। अब चलती हूँ मैं और कल मुलाकात। लो जीत गए तुम हमसे, हम हार गए इस दिल से। आया है आज लबों पे ये प्यार बड़ी मुश्किल से। इस प्यार में हमको पागल ना कर छोड़ना।